तो तमन्ना, पहले हम कल वाले वो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। कल वाले कर लिए सारे? यस मैम। हाँ बताओ, क्या थी पहली क्वेश्चन? पहली इक्वेशन थी NaCl प्लस AgNO3, फिर वो हमको दे रही है AgCl प्लस Na फिर NO3। मैम ये बैलेंस ही है NaNO3। ये बैलेंस है। बैलेंस है, करेक्ट करेक्ट। चलो सेकंड वाली बताओ। सेकंड है BaCl2 प्लस H2SO4, वो हमको दे रही है BaSO4 प्लस HCl। मैम HCl के आगे 2 लग जाएगा तो ये बैलेंस हो जाएगी। HCl करेक्ट। चलो नेक्स्ट बताओ। एक सेकंड तमन्ना, एक सेकंड होल्ड करना। ओके मैम। हाँ तमन्ना, इसके नेक्स्ट बताओ। इसके नेक्स्ट वो थे वर्ड्स वाले, है ना? हेलो तमन्ना। यस मैम। वो वर्ड्स वाले वो थे ना, वर्ड्स वाले? हाँ रिएक्शंस। हाँ पहला पहला हमने कर, बताओ कौन सा वाला था, होमवर्क में कौन सा था? मैम एक ही दिया था, कैल्शियम। बेरियम वाला? नहीं, वो वाला तो ऊपर वाला हो गया। अच्छा इसमें बताओ, इसमें कौन सा था? इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद में प्लस कार्बोनेट, कार्बन नहीं डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वो हमें दे रही है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाँ, वाटर। और वाटर। ये इसमें थे, ये मैंने सारे थे, मैंने तुम्हें रिएक्शन बता दिए थे, रिएक्शन हाँ बताए थे मैंने तुम्हें। हाँ मैंने ये नहीं लिखा था, फिर तुम्हें बैलेंस करना था वो। इसका बताओ बैलेंस करके क्या है, बैलेंस करके इसका इसका किया है वाला? हाँ मम्मी किया तो है लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये ठीक है कि क्या हाँ है। कोई मतलब नहीं, बताओ बताओ क्या है मैम तुम्हारा आंसर क्या है? इसके आगे पीछे ना O2 के मतलब जो ब्रैकेट वाले उसमें 2 लग जाएगा। पहला और तो ये था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ फिर था कार्बन डाइऑक्साइड, तो यस मैम। दे रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। अब बताओ किसके आगे क्या लगेगा, मैम कैल्शियम के आगे 2 लग जाएगा कौन से कैल्शियम रिएक्टेंट के प्रोडक्ट? रिएक्टेंट के आगे, यहाँ पे 2, ठीक है। और और फिर उसके आगे वो वाले प्रोडक्ट के आगे भी 2 लगेगा। यहाँ पे, अच्छा और और बाकी जो ऑक्सीजन है ना वो वाला मेरे को समझ में नहीं आया, ऑक्सीजन वाला मैंने बस इतना ही करा था। कार्बन देखो, कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 हो गए, तो इसको भी बैलेंस करने के लिए इसके आगे भी 2 लगेगा। यस मैम। अब ये तो कितने ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, और इधर 2, 6, और इधर कितना है, 3 ठीक जीजा है, 6 ही है। 6 और 1 ये 7। लेकिन इसके पूरे के आगे भी 2 है, रुको, 2 3 4, क्या 4 होगा, ये 4, ये प्लस 4, 4 ये, 8 हो गए। हाँ और इधर 3 2 6 और 1 ये 7। तो इसको भी एक और बढ़ाने के लिए हमें इसे 2 करना पड़ेगा, तभी ये इधर वो 2 होएगा, मतलब ये 8 हो गए।
अब हमें हाइड्रोजन चेक करने, 8-8 हो गए दोनों। यस मैम, हाइड्रोजन इधर है 4, उधर भी 4 है, 4 तो इन सबके आगे 2-2 लगेगा। ओके मैम। हाँ और बताओ, और कौन सी थे? और है जिंक, जिंक प्लस सल्फर नाइट्रेट, नहीं सिल्वर नाइट्रेट, जिंक Zn प्लस AgNO3। हाँ वो हमें दे रहा है जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। हाँ NO3 प्लस Ag, इसको बताओ बैलेंस। मैम यहाँ पे NO3 के आगे 2 लग जाएगा रिएक्टेंट साइड में। NO3 के आगे नहीं, वो लगेगा तो पूरे के आगे लगेगा, पूरे के आगे लगेगा। और नहीं तो क्या, ये जब पूरा है एक तो इसके आगे लगेगा, बीच में तो नहीं लग सकता ना कहीं। हाँ तो मैम फिर उसके आगे लग जाएगा, क्या लगेगा? 2-2। और इधर इधर ये 6 हो गए, फिर यहाँ पर तुमने होमवर्क किया नहीं इसका मतलब। मैम मैंने कर रहा है, सारा कर रहा है। हाँ तो बताओ इधर साइड क्या, फिर तो तुम्हें सीधा आंसर बताना चाहिए, तुम्हें अभी काउंट करना ही नहीं चाहिए। नहीं मैम मैंने ना वो मतलब मैंने तो अपनी तरफ से पूरा कर रहा है लेकिन वो गलत हो जा रहा है इसलिए फिर मैं काउंट कर रही हूँ। अच्छा करो। ये इधर जिंक भी एक है, उधर भी एक है, जी जी एक है, उधर भी एक है, NO3 इधर 6 है, सिल्वर बताओ, सिल्वर भी चेक करो। सिल्वर मैम सिल्वर तो दोनों में 1-1 ही है। क्यों 1-1 क्यों है, यहाँ तो 2 है और यहाँ 1 है। मतलब मैं तो लगाकर अभी 2 हुआ है ना, हाँ यहाँ तो यहाँ पर 1, तो फिर मैम उसके आगे भी 2 लग जाएगा लास्ट वाले के आगे भी। और अभी ये बैलेंस्ड है, ठीक है। यस चलो मैम। अगली बताओ। अगली है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, फिर वो हमें दे रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। हाँ इसका बताओ। मैम इसके आगे ना उसके आगे 3 लग जाएगा क्लोरीन के आगे। क्लोरीन के नहीं, पूरे के आगे। हाँ मतलब पूरे के आगे। और फिर उधर भी 2 लग जाएगा, इधर भी 2 लग जाएगा, ठीक है। और और कॉपर मतलब फिर तो बैलेंस हो गया। क्यों हो गया, इधर तो एल्यूमिनियम 2 है, इधर 1 है। मैम उसके आगे भी 2 लगेगा, यहाँ पे भी 2 लगेगा। अब यहाँ कॉपर 3 है, यहाँ पे 1 है, उसके आगे भी लगेगा, इसके आगे क्या लगेगा? 2 2 लगेगा, 3 लगेगा, क्योंकि इधर 3 है। थ्री हाँ लगेगा। ध्यान से करो क्योंकि ये कितनी सी मिस्टेक को पूरा आंसर गलत कर देगी। चलो लास्ट वाली बताओ। लास्ट वाला है बेरिलियम क्लोराइड हाँ प्लस पोटाशियम सल्फेट, हाँ फिर वो हमें दे रहा है बेरिलियम सल्फेट प्लस पोटाशियम क्लोराइड। मैम इसके ना के आगे 2 लग जाएगा हाँ और बस, बाकी सारा वो इक्वल है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट वाले बस इतना ही था। नेक्स्ट तो हमने कर ही लिए थे, डबल डिस्प्लेसमेंट, डीकॉम्बिनेशन, यस मैम, कॉम्बिनेशन, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक वाला भी किया था, फिर हमें करना था ये वाला कर लिया था ना, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, यही लास्ट क्वेश्चन किया था ना। यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है Why is respiration considered
as an exothermic reaction की respiration जो हम करते हैं ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोला है? अब ये है कि लाइफ के सर्वाइवल के लिए वी रिक्वायर एनर्जी, राइट? एंड वी ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट. सो द फूड मॉलिक्यूल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, राइट? जो हम फूड लेते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमारे सेल्स में चले जाता है. सो दीज सब्सटेंसेस कम इन कॉन्टेक्ट विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन आवर बॉडी सेल, ठीक है? वो क्या फॉर्म करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलोंग विद सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो अब जो वो एनर्जी है इज इन द फॉर्म ऑफ हीट. So the respiration is considered to be exothermic. ठीक है? तो जो reaction, मैं reaction तो मैं बता देती हूँ. Reaction क्या होता है? Glucose जब release करता है वो energy, जैसे glucose form हुआ. Glucose है C6H12O6 plus oxygen के साथ मिला. तो वो क्या form कर रहा है? 6CO2. अब carbon dioxide release हो जाएगी हमारी बॉडी से प्लस H2O एनर्जी. वो वाटर, यस मैम, वाटर प्लस एनर्जी. तो जो ये एनर्जी है ना, ये एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होती है. तो इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकलती है, रिलीज होती है. ओके मैम, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. लिख लिया तुमने वो रिएक्शन? यस मैम. ओके, नेक्स्ट है व्हाई आर डीकंपोजिशन रिएक्शंस called the opposite of combination reaction और इसके लिए equations भी लिखो, ठीक है? तो क्या होता है, इन्होंने क्या बोला है, डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होते हैं वो ऑपोजिट क्यों होते हैं कॉम्बिनेशन के? कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, दो कंबाइन होके एक नया वो फॉर्म करते हैं प्रोडक्ट. और डीकंपोजिशन में क्या होता है कि एक जो है वो कन्वर्ट होके दो फॉर्म करते हैं, उसको डीकंपोज करता है. तो क्या कहते हैं कि इसके अंदर तो स्प्लिट हो रहे हैं, दो में स्प्लिट और इसमें दो में कंबाइन होके एक फॉर्म हो रहा है. तो इसमें क्या हो रहा है कि ये इन मोस्ट ऑफ द केसेस द डीकंपोजिशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है वो एंडोथर्मिक होता है, ठीक है? सो सिंस हीट फ्रॉम द सराउंडिंग और induced heat, it is used to break the bonds of a larger molecule. So, इसके जैसे examples क्या हैं decomposition के? और जैसे एक है ZnCO3. ये क्या बन रहा है? ZnO plus CO2. उसके बाद HgO, ये बना रहा है 2Hg+O2, ठीक है? Yes ma'am.
अब क्वेश्चन है एक कि डिफरेंस बताना है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में। और इनकी रेलिवेंट इक्वेशंस भी लिखनी है। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता जिसमें मोर रिएक्टिव जो सब्सटेंस होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, मैम। राइट right? और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि वो उसको इसमें मतलब उसमें म्यूचुअल म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन होते हैं। आयन म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड, ठीक है। इसमें तो मोर रिएक्टिव displaces displaces less reactive, ठीक है। displacement reaction का क्या example है, अब Mg plus 2HCl gives MgCl2 plus H2 और डबल डिस्प्लेसमेंट 2KBr प्लस BaL BaL और आई ये बना रहा है 2Ki प्लस BaBr2, ठीक है। ये लिख लो, यस मैम, हो गया। अब क्वेश्चन है इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, जब सिल्वर की रिफाइनिंग कर रहे होते हैं तो द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट से जब हम सिल्वर रिफाइन कर रहे होते हैं, सो ये जो सॉल्यूशन होता है दिस इन्वॉल्व्स द वो ये जो रिएक्शन होता है इसमें क्या होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, तो ये कह रहे हैं इसकी इक्वेशन लिखो कि ये जो रिएक्शन हो रहा है उसके इक्वेशन, तो कॉपर क्योंकि सॉलिड फॉर्म में प्लस सिल्वर नाइट्रेट 2AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन, और ये क्या बना रहा है कॉपर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन प्लस 2Ag, ये सॉलिड फॉर्म में मतलब सिल्वर जो सिल्वर फॉर्म हो रही है वो सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो ये इसका इक्वेशन लिखनी है क्वेश्चन में, लिख लिया। क्वेश्चन की व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। प्रेसिपिटेशन तो हमने पढ़ा था ना, यस मैम। हाँ, प्रेसिपिटेशन क्या होता है देखो जरा अपने नोट्स में और बताओ प्रेसिपिटेशन क्या लिखा था। एक मिनट मैम।
An insoluble compound called precipitate forms when two solution containing soluble salt are combined. तो जो insoluble compound form होता है तो उसको बोलते हैं precipitate. अब जैसे इसके example बताने और precipitate का एक example था जिसमें वो solid form में precipitate उसमें नीचे रह जाता है, right? और वो yellow color में हो जाता है change. हाँ. कौन सा एग्जांपल था वो? PbNO32 aqueous plus 2K. I aqueous वो फॉर्म कर रहा है 2K NO3 aqueous plus Pb. ओके. यहाँ के ये कपड़े प्रेस करो दे आ रहा. अभी इसके मैं ये प्रेसिपिटेशन के कुछ और एग्जांपल्स भी लिख रही हूँ, वो भी लिख लो. ओके मैम. ठीक है. पहला है CbSO4 aqueous plus K2S. मैम इनमें से कोई एक एग्जांपल लिखना होएगा ना? हाँ लिखना तो एक होएगा, बस ये हो कि क्या पता ये वाले फिर बैलेंसिंग के लिए या वैसे आ जाएं क्वेश्चन के. अच्छा बताओ ये वाला, ये जो एग्जांपल है ये कौन से रिएक्शन का एग्जांपल है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. ओके मैम. एक सेकेंड. हाँ. CbSO4 plus K2S aqueous solution gives CbS solid form plus K2SO4 in aqueous form. एक तो ये है एग्जांपल और एक है एग्जांपल 2NaOH aqueous plus MgCl2 aqueous. ये क्या फॉर्म कर रहा है? 2NaCl aqueous plus MgOH twice solid form. ठीक है. Yes ma'am. हम लिख लिया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन विद टू एग्जांपल्स. ठीक है. ए ऑक्सीडेशन और बी रिडक्शन. सो इसमें हमें बोला है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन के एग्जांपल दो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. अब ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन द ऑक्सीजन इज एडेड टू द एलिमेंट टू फॉर्म ऑक्साइड. अब क्या होता है ऑक्सीडेशन में? जो रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन ऐड होती है, ठीक है, और फिर वो एलिमेंट फॉर्म होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर 4Na प्लस O2 विच इज इन द गैसियस फॉर्म ऑक्सीजन, ये फॉर्म कर रहा है 2Na2O सॉलिड फॉर्म. एक और एग्जाम्पल है H2S प्लस O2 गिव्स H2O प्लस SO2. अब ऐसे रिडक्शन के लिए, ये तो था ऑक्सीडेशन के लिए. रिडक्शन के लिए, रिडक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में व्हेन ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द कंपाउंड, जब रिमूव करते हैं हम ऑक्सीजन को कंपाउंड से, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन. रिडक्शन. अब जैसे इसके एग्जांपल हैं CuO सॉलिड फॉर्म प्लस H2G
गैस CU सॉलिड प्लस H2O लिक्विड फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म है। और एक और एग्जांपल है 2HGO गिव्स 2HG प्लस O2, ठीक है। एक तुम्हें टिप देती हूँ कि जब भी तुम जितने भी रिएक्शंस या जो भी है, जितने भी सारी अलग अलग क्वेश्चंस में सारे रिएक्शंस है ना, जिस जिस चीज के हैं कि वो ऑक्सीडेशन के हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट के हैं, सब ना एक साथ कलेक्ट करके लिखना, ठीक है, ताकि तुम्हें अलग अलग क्वेश्चन में नहीं देखना पड़ेगा। जब तुम डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ोगी तो तुम्हारे उसमें सारे वो रिएक्शन सारे आ जाएंगे, और क्योंकि इस चैप्टर में रिएक्शन ही रिएक्शन है, ये क्वेश्चन पक्का है कि ये बैलेंस करने का। फिर ये तुम्हें अगर वर्ड फॉर्म में दे दिया उसको ये केमिकल फॉर्म में लिखना, ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये लिख लिया? यस मैम। ओके एक सेकंड। क्वेश्चन है अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट, कोई ब्राउन कलर का एलिमेंट है एक्स, ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। ये ब्राउन कलर का है, जब इसको हीट किया जाता है तो ये ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है। ओके मैम। सो नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म्ड। सो द शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट इज कॉपर मेटल, कॉपर मेटल, और व्हेन द मेटल इज हीटेड इन एयर, ठीक है, जैसे 2Cu ये सॉलिड फॉर्म में, मेटल फॉर्म में, प्लस हीटेड इन एयर, हाँ, तो ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होगी, तो ये क्या फॉर्म करता है, इट रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। अब कॉपर जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, क्या फॉर्म कर रही है, कॉपर ऑक्साइड। सो 2CuO ये सॉलिड फॉर्म में, और ये होता है ब्लैक कलर का। सो द ब्लैक कलर कंपाउंड इज, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये था हमारा कॉपर मेटल, और ये थी हमारी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक एयर या ऑक्सीजन, ठीक है। ओके मैम। लिख लिया? यस मैम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, हम आयरन के आर्टिकल्स हैं उस पे पेंट क्यों लगाते हैं, उस पे पेंट क्यों लगाते हैं, ताकि मैम वो ना इलेक्ट्रिसिटी उस पे ना वो हो जाए, वो कैच कर लेते, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बताओ कि हमने इन्हीं सारे रिएक्शन में एक चीज पढ़ी थी, रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है, मैंने बताया भी था, जो वो जंग लग जाना, जंग लग जाना, तो रस्टिंग, हम रस्टिंग किसको कहते हैं, जब हम आयरन आर्टिकल्स पे वो जंग लग जाता है, तो जो आयरन आर्टिकल्स हैं उनको पेंट इसलिए किया जाता है ताकि वी कैन प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग से प्रिवेंट कर सके उन्हें। तो अगर वो देखो, अब मैं लिख रही, तुम्हें जो पॉइंट लिखने हो तुम अपने नोटबुक में लिख लेना, जो मुझे लगेगा कि मुझे लिखना चाहिए वो मैं लिख दूंगी। अब क्या होता है कि When left unpainted, जब unpainted होते हैं ये metal, iron metal, so the metal surface comes in contact, जो metal surface होता है, metal surface comes in contact with the atmospheric oxygen, atmospheric oxygen के contact में आ जाता है, right? Yes, ma'am. अब बोलते हैं कि जो मेटल मेटल होता है ना, जो भी ना, तो इसको धूप में पड़ा रहे कि पानी में पड़ा रहे,
एयर मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है तो इसमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है, और इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर होता ही है एयर में, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म कर देता है, यहाँ पे प्लस लगा लो, ये क्या फॉर्म कर देता है, आयरन, यहाँ पे थ्री लिख देना, थ्री, आयरन ऑक्साइड, ये फॉर्म कर देता है आयरन ऑक्साइड, और इसको कहते हैं कि रस्टिंग हो गया। बट अगर पेंट किया होता है हमने आयरन मेटल्स को, आयरन आर्टिकल्स को, सो द सरफेस डज नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद द मॉइस्चर एंड एयर। तो जो जैसे फॉर एग्जाम्पल कील है एक, ठीक है, yes, ma'am. अब जैसे ये कील है, सो क्या होता है अगर इसको पेंट किया या कुछ भी है, सो इसके साथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से रस्टिंग नहीं हो पाती, ठीक है, अदरवाइज ये अगर ऐसी पड़ी रहेगी तो इसमें भी रस्टिंग हो जाएगी। तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि वो मॉइस्चर और एयर के कॉन्टेक्ट में ना आए उसका सरफेस, इसलिए हम उसको पेंट कर देते हैं आयरन मेटल्स को। ओके मैम, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल। पहला है कोरोजन, कोरोजन पढ़ा था हमने, यस मैम, और दूसरा है रेंसिडिटी, ये भी पढ़ा था हमने, यस मैम। कोरोजन बताओ क्या होता है, एक मिनट मैम, मैम ये वाला तो क्रोजन में क्या पढ़ा था मैम, क्रोजन नहीं है, 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 है। इसमें पढ़ा था ग्रेजुअल डेटोरेशन ऑफ मटेरियल यूजुअली ग्रेजुअल, हाँ ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन ऑफ मटेरियल्स usually a metal by the action of moisture air on chemicals in surrounding environment, rusting के बारे में है, हाँ ये rusting था, और corrosion कहाँ गया, नहीं मतलब एक corrosion ही तो पड़ा, हाँ तो corrosion वही process है, corrosion उस process को बोलते हैं जिसमें rusting होती है। So corrosion is a process where a refined metal is oxidized by atmospheric oxygen to form more stable compound या फिर oxides, ठीक है, corrosion में ये atmospheric oxygen के साथ, atmospheric oxygen के साथ मिलता है जिससे क्या होता है oxides form करता है, तो रस्टिंग होती है, तो मेटल द मेटल ग्रेजुअली डिग्रेड्स ड्यूरिंग द कोरोजन प्रोसेस। अब ये देखो कोई मेटल कंटेनर है, कील की बात करें जो आयरन की थी, अगर इसमें जंग लग जाता है तो ये किसी काम की नहीं रहती, खराब हो जाती है, राइट, यस मैम, हमने इसको यूं ही छोड़ दिया तो ये खराब हो गई, तो क्या होता है द मेटल ग्रेजुअली डिग्रेड्स, वो जो मेटल जिस मेटल की भी ये बनी होती है, आयरन की बनी होती है, वो डिग्रेड हो जाता है, ठीक है, खराब हो जाता है। सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, कोरोजन का एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, सो वेयर आयरन इज कन्वर्टेड टू आयरन ऑक्साइड, ठीक है। सो अब देखो जितने भी मॉन्यूमेंट्स बनते हैं या ब्रिजेस बनते हैं, कुछ ही बने तो इस पे पेंट वगैरह करा के रखते हैं, क्योंकि ये तो देखो ओपन, उसमें ओपन एरिया में रहती है ये, अब तुम देख लो ये क्या नाम है जो मेट्रो के बनते रहते हैं या फिर कुछ भी होर्डिंग बने या कुछ भी बने, सब मेटल के बने होते हैं, आयरन के बने होते हैं, ठीक है, लोहे के,
तो इस पे ना पेंट वगैरह सब कुछ अच्छे से किया होता है, क्योंकि अगर पेंट नहीं करेंगे तो रस्टिंग हो जाएगी. सो मिलियन ऑफ डॉलर्स आर स्पेंट एनुअली इन प्रिवेंटिंग रस्टिंग फ्रॉम ब्रिजेस एंड अदर मॉन्यूमेंट्स. ठीक है, बहुत पैसा इस पे खर्च होता है कि चीजें नहीं तो अदरवाइज खराब हो जाएंगी अगर उसको नहीं पेंटेड पेंट किया करा। उसका. हाँ, पेंट किया. ठीक है, अब ये बताओ यस मैम। रेंसिडिटी क्या होता है. अब कोरोजन और तुम्हें रस्टिंग अच्छे से समझ आ गया है कि उसके बारे में खुद लिख सकते हो कि क्या होता है. यस मैम। और ये क्वेश्चन पक्का आएगा, ये कोरोजन रेंसिडिटी, ये रस्टिंग कोरोजन इम्पोर्टेंट है. ओके मैम। चलो रेंसिडिटी बताओ क्या होता है. इट रेफर्स टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड दैट इट कीप फॉर लॉन्ग टाइम। इट गिव्स फुल स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। रेडिट फूड कॉजिंग रेंसिडिटी. डेंसिटी फूड कॉजिंग स्टमक और कंसेप्शन। तो रेंसिडिटी क्या होता है, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड वो फैट. जो पैक फूड होता है उसके अंदर ऑक्सीडेशन होती है, वो फिर बाहर आता हाँ है तो वो खराब हो जाता है। हाँ तो वो खराब होता है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया अगर ओपन तो ठीक है, और उसको यूज नहीं किया गया यस तो, मैम। और उसको खा लिया तो वो हमें हमें स्टमक में प्रॉब्लम कर सकता है. ठीक है, तो इसलिए उसको भी सही से ध्यान रखना चाहिए. यस मैम। ठीक है, अब ये बताओ ये एनसीआरटी वाले क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए हैं. ठीक है, एनसीआरटी के जितने क्वेश्चन थे, अब इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं. ठीक है, मैम मैं 15 को दे दूंगी टेस्ट आपको। 15 को कौन सा डे है? 15 को कौन सा रुको डे है? मैं देखती हूँ, रुको. ओके देखो 15 को है मतलब ट्यूसडे, तुम्हारा मंडे को पेपर होएगा है ना, और सैटरडे को है. पेपर अच्छा ठीक है, क्या कितने दिन कर दे दूंगी। देना चाहे उसके एक दिन बाद दो, पर देना अच्छा, मतलब ऐसे नहीं कि यूं उड़ा दिया. ओके मैम। ठीक है चलो, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर मैं बता देती हूँ. पहला है कि व्हाट इज द मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन. तो केमिकल इक्वेशंस को हम कैसे बैलेंस करते हैं, उसके आगे कोफिशिएंट्स लगा के, राइट, यस मैम। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में. ठीक है, तो वही कोई उसका एग्जांपल दे देना, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर रहे हो. मतलब एक इक्वेशन लिख के उसको बैलेंस कर दूं। हाँ ठीक है, और बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे जितने भी जितने रिएक्टेंट पे आएंगे उतने प्रोडक्ट पे भी आएगा, हाँ तो सेम उनपे होगा। हाँ सेम होना चाहिए. ठीक है, तो वो एग्जांपल दे देना, दोनों साइड पे इक्वल होगा. ओके मैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इज इट नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. क्यों नेसेसरी होता है, कौन सा लॉ बताया था मैंने, ये क्वेश्चन था भी. क्या मैम? वाई अभी लिख देती हूँ, वाई इज इट नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों नेसेसरी होता है. क्योंकि मैम हम उसको फिर बैलेंस नहीं करेंगे तो फिर ना मुझे पता है तुम वो आंसर नहीं दे रही हो जो होना चाहिए इसका. मैंने तुम्हें बताया था कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है. वो कहता है ना कि एनर्जी मतलब क्रिएट नहीं होती है और रिएक्टेंट साइड पे जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो इक्वल होने चाहिए जो प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट पे साइड एटम्स पे है। हैं. ठीक है, तो इसलिए बैलेंस करना बहुत जरूरी है ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे हो सके. ठीक है, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशंस दी हुई हैं, उसमें बताना है कि वेदर सब्सटेंसेस हैव बीन ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड. ठीक है, इक्वेशन दी हुई है. मैं जैसे इक्वेशन लिख रही हूँ, PbO प्लस CO गिव्स Pb प्लस CO2, और एक है H2S प्लस Cl2 गिव्स 2HCl प्लस S. तो इसमें क्या हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, ये क्या हो रही है, रिडक्शन. हाँ, रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, वो सॉरी ऑक्सीडाइज्ड हो रही है, तो हाँ रिडक्शन हो रही है. ऑक्सीडाइज्ड एज इट गेन्स ऑक्सीजन. ठीक है, ये और ये, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड एज इट गेन्स ऑक्सीजन. ऑक्सीडाइज एज इट गेन्स ऑक्सीजन. दूसरे में क्या हो रहा है, क्लोरीन है, अब इधर Cl2 है और इधर Cl है, तो ये रिड्यूस हो रही है यहाँ पे, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है. हाँ, सो क्लोरीन इज रिड्यूस टू रिड्यूस एज इट गेन्स हाइड्रोजन. अब इसमें हाइड्रोजन गेन कर रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, क्लोरीन इज रिड्यूस as it gains hydrogen. ठीक है, yes ma'am. okay. बैलेंस करना है अब इक्वेशंस को. अब जैसे इक्वेशन है Mg प्लस N2 गिव्स Mg3 N2, इसको बैलेंस करो. एक मिनट मैम, मैम वहां पे Mg क्या आगे 3 लग जाएगा, लग जाएगा. और एक मिनट मैम, बाकी नाइट्रेट तो बैलेंस ही है, नाइट्रोजन. ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ. KClO3 गिव्स KCl प्लस O2. मैम वहां पे ना, मतलब वहां पे वन लगेगा. वन तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, वन तो ऑलरेडी लगा होता है. मैम ऑक्सीजन को बराबर करना है. हाँ. उसके आगे फिर टू लग जाएगा. उसके आगे ओ के आगे यहाँ यहाँ टू हुआ, तो ये कितने हो गए, फोर. फोर और यहाँ थ्री है, फिर ज्यादा हो गया. ये तो लगना ही चाहिए, गलत है. और फिर तो थ्री और टू का बहुत इजी है, अगर इधर थ्री है तो इसके आगे टू लगा दो, और इधर टू है इसके आगे थ्री लगा दो. हाँ हाँ, नहीं है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ तुम्हें, इसके आगे टू लगा दो, इसके आगे थ्री लगा दो. टू थ्री जा सिक्स और थ्री टू जा सिक्स. अब ये अब उसके आगे भी टू लग जाएगा फिर.
यहाँ पे भी टू लगेगा, अब ये बैलेंस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे ना मैंने, एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, कलर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, स्टेट चेंज होती है, राइट? सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड है तो गैस हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन है कैन रेंसिडिटी, रेंसिडिटी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग food away from light. So, अगर light से away हो, क्योंकि light नहीं होगी तो क्या होगा, heat form नहीं होगी। Yes ma'am. तो क्या होता है कि in the absence of light, the oxidation of fats, fats एक second लिखी होती है, in the absence of light the oxidation of fat and oils present in food is slowed down, कि कम होती है अगर लाइट नहीं होगी, अगर सनलाइट हो तो वो ज्यादा होगी, ठीक है? इट स्लोड डाउन, और इसलिए कहते हैं कि हेंस डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी इज रिटार्डेड, कि मतलब कम हो जाती है। ओके मैम, लिख लिया है? नो मैम, लिख लो। Yes, ma'am, done. Okay. Next question is, what are the different ways can make more informative about the chemical equation. तो क्या different ways हैं जिससे chemical equation को और informative बना सकते हैं? तो क्या होगा, पहला कि by indicating the physical states of reactant and product. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, उनका फिजिकल स्टेट बताना कि वो कौन सी स्टेट में है, ठीक है? Yes, ma'am. कि वो सॉलिड है, कि लिक्विड है, कि गैस है, ये चीज भी बताना, ठीक है? इसमें हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन में क्या हो रहा है, ठीक है? तो ये भी ये मेंशन करना केमिकल इक्वेशन में। फिर उसके बाद है बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस, जो हीट चेंज हो रही है टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन, हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस
इन द रिएक्शन. देन थर्ड, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर. तीसरा है ये हीट चेंजेस, और तीसरा है पहला फिजिकल स्टेट का, और तीसरा है कंडीशन की. By indicating the conditions under which the reaction takes place. ठीक है? Under which the reaction takes place. ठीक है? अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश हो चुके हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर. अब मेरे को ये बताओ कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है. मैम मेरे पास तो बुक ही नहीं है. नहीं है, मैं बताती हूँ तुम्हें. बायो का पढ़ लेते हैं. हाँ बायो का पढ़ लेते हैं, बताती हूँ मैं अभी. बायो के चैप्टर बायो का चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस पहला. वो देखो, फर्स्ट चैप्टर तो ये था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. दूसरा है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ये भी केमिस्ट्री है. मेटल एंड नॉन मेटल, ये भी केमिस्ट्री. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये भी केमिस्ट्री. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये भी केमिस्ट्री. सिक्स चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, ये बायो का है. तो मैम फिर यही कर लेते हैं लाइफ प्रोसेसेस. चलो कल से फिर ये करेंगे लाइफ प्रोसेसेस. ओके मैम ठीक है, चलो कल मिलते हैं. ठीक है, चलो ठीक है. ओके चलो, बाय बाय.